पर अलग अलग मौकों पर सरकार के अंधाधुंध कर्जों का मैं जिक्र कर चुका हूं। गुजरात का यह मॉडल है, गुजरात में भी सरकार ने अंधाधुंध कर्जे लिए जिनको आज तक वहां की राज्य सरकार किसी तरह झेल रही है। और केंद्र में भी बना दो हाईवे, एक्सप्रेसवे बना दो, मुझे उद्घाटन करना है। देश के पास पैसे नहीं है, टैक्स नहीं आ रहा है, जितनी जीडीपी है उससे जितना टैक्स आएगा उसी से तो विकास करेंगे आप। आपने एनएचआई को कर्ज में धकेल दिया, लेकिन ये सब बातें उदाहरणों की हैं। लेकिन जो ओवरऑल अर्थव्यवस्था का आप मूल्यांकन करें, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। 15 अक्टूबर को पिछले साल आईएमएफ की एक समीक्षा रिपोर्ट आई थी जो बाकायदा उन्होंने भारत सरकार को भेजी, और भारत सरकार के एक बात याद रखिएगा, आईएमएफ की जो भी रिपोर्ट्स आती हैं या वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती हैं, ये रिपोर्ट वो अपने अलग से जासूस नहीं भेजते हैं, जो हालात भारत की सरकार लिखित में बताती है उसी के आधार पर समीक्षा करके वो रिपोर्ट बनाते हैं। और अगर कुछ छिपाती है तो वो भी वो पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनके ऑडिटर्स होते हैं और फिर सवाल पूछते हैं। तो जो आईएमएफ की रिपोर्ट 15 अक्टूबर को आई है, समीक्षा रिपोर्ट, वो ये बता रही है कि भारत का कर्ज करीब करीब पिछले साल अक्टूबर में ही 90% से ऊपर चला गया था, जीडीपी के 90% से ऊपर, 90.6% ऐसा कुछ था। और जानकारों का कहना है कि ये 90% वो है जो सरकार ने लिया है, और अगर इस कर्ज में जो हमारे देश की कंपनियां हैं उनको भी जोड़ लिया जाए, पब्लिक सेक्टर कंपनियां, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, जिनको बहुत रेलवे, जिनको सरकार जल्दी से जल्दी प्राइवेटाइज करना चाह रही है, वो सारी कंपनियां भी अगर इसमें जोड़ ली जाएं, तो जो हालत होने वाली है वो ये होने वाली है कि 100% जीडीपी का आप अक्टूबर में पार कर चुके थे 2021 में। और यहां तक ऐसे असुरक्षित चीजों को गिरवी रख के कर्जे लिए गए हैं जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, ऐसे ऐसे दफ्तर गिरवी रख दिए जो एक रुपए की कमाई नहीं करते हैं। तो जब आप ये कर्जा लेते हैं, ऐसे गिरवी रख के कर्जे लेते हैं, वो कर्जे लेते हैं, तो ये लगातार कर्जा बढ़ रहा है जिसको चुकाने की हालत में आप नहीं हैं, और इसी वजह से राज्यों की हालत भी जो है वो लगातार खराब है। तो एक जो अक्टूबर में जब ये आईएमएफ की रिपोर्ट आती है, उसके बाद दो बड़े घटनाक्रम होते हैं, बल्कि तीन होते हैं। एक तो जो भारतीय आईएमएफ की चीफ थी वो अपनी नौकरी छोड़ के चली जाती है, क्योंकि वो जानती हैं कि वो ये माना जा रहा है कि उनके उनको हार्वर्ड में रहेंगी तो अपना दूसरी एक्टिविटीज में रहेंगी, आईएमएफ चलाने के चक्कर में फिर भारत की ऐसी स्थिति उनसे देखी नहीं चाहिए, ऐसा माना जा रहा है। दूसरी चीज़ ये हुई कि जैसे ही ये रिपोर्ट आई, इसके बाद से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे वो बड़ी संख्या में भारत छोड़कर जाने लग गए, शेयर बाजार से पैसा निकालने लग गए, और इसी रिपोर्ट के बाद में रुपए की मोटी गिरावट आई थी। ये सारी चीज़ें मैं क्लिप लगा रहा हूँ अखबारों की, उस समय की आप तारीखों पर ध्यान दीजिएगा इसकी, यानी उस दौरान जब ये रिपोर्ट आती है आईएमएफ की, तो उसके बाद में पूरी दुनिया में एक संदेश आता है जो ये कहता है कि भारत का भविष्य जोखिम भरा है। और मामला सिर्फ वहीं अक्टूबर 21 तक रहता तो चल जाता, फिर से एक रिपोर्ट आती है आईएमएफ की, उसमें जाएं। ये लेटेस्ट रिपोर्ट है जो कहती है कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट है, और इसमें एक चैप्टर है जिसमें जिक्र किया गया है सरकार और बैंकों के नेक्सस का, गठजोड़ का, आपराधिक गठजोड़ कहना भी बुरा नहीं है इसके लिए। और उस रिपोर्ट के उस नेक्सस वाले हिस्से में यह बताया गया है कि बहुत बड़े स्तर पर सरकारें और बैंक मिले हुए हैं और जनता के पैसे से खेल रहे हैं, क्योंकि बैंकों में जनता का पैसा पड़ा हुआ होता है, और सरकार को जितना कर्जा बैंक को देना चाहिए उससे ज्यादा कर्जा बैंक सरकार को दिए जा रही हैं, और इसके कारण बैंक असुरक्षित हो गए। भारत का नंबर, आप एक ग्राफिक्स देखिए, इसी रिपोर्ट के अंदर से निकाला गया है आईएमएफ की, पांचवा है, दुनिया का पांचवा सबसे ज्यादा अपने बैंकों को जोखिम में डालने वाला देश हमारा है, ये रिपोर्ट कह रही है। और इस रिपोर्ट में बैंकों के कर्ज में 30% कर्जा सरकार का कर्जा है, यानी भारत सरकार और प्रदेशों की सरकार और सरकारी कंपनियों ने बैंकों से 30% कर्जा सरकार ने लिया हुआ है। सरकार बैंकों की मालिक होती है, सरकार की एक साख होती है, और इसके कारण उनको उनकी रीपेइंग कैपेसिटी से भी पार जाके कर्जा दे दिया गया। और ये कर्जा भी कौन सा है, जो शॉर्ट टर्म लोन है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये जो कर्जा लिया है इसका जो असर है वो 2023 से दिखाई देना शुरू होगा, जब ये शॉर्ट टर्म लोन चुकाने का समय आएगा। शॉर्ट टर्म लोन यानी कम समय के लिए लिया गया लोन, ऐसा लोन जिसमें ब्याज दरें थोड़ी ज्यादा होती हैं, और तीसरी चीज जिस लोन की किश्तें बड़ी होती हैं। तो जब आप शॉर्ट टर्म लोन 2023 से चुकाना शुरू करेंगे तो आप ये सोचिए कि सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट, क्योंकि ये सारा लोन भी उसको चुकाना है, ये एक दबाव है, एक प्रेशर है। और 2023 के बाद जब ये प्रेशर आएगा तो उस प्रेशर को हल्का करने के लिए सरकार क्या करेगी, अपने बैड फाइनेंशियल मैनेजमेंट से को छिपाने के लिए सरकार क्या करेगी, सरकार आपके और मेरे ऊपर टैक्स लगाएगी। और अगर सरकार को ये लगा कि 2024 में उसका विदाई समारोह हो सकता है,
तो वो ये भी हो सकता है कि उसको उस दौरान एक घाटे में डाल के चली जाए और 2024 में जो नई सरकार आए वो इस कर्ज के जाल में डूबी हो, छटपटा रही हो और सरकार की स्थिति ऐसी हो कि वो मजबूरी में उसको टैक्स बढ़ाने पड़े। दूसरी चीज़, 2024 का चुनाव जब निकल जाए, मान लीजिए यही सरकार वापस आती है, तो इसके पास में फिर चुनाव जीत गए हैं, 5 साल हैं, अंधाधुंध टैक्स लगा दीजिए। यही वजह है कि दाल चावल रोटी सब चीज़ पे टैक्स लगाया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने अपनी औकात से ज़्यादा कर्जा ले लिया। औकात शब्द की जगह रीपेइंग कैपेसिटी से ज़्यादा, औकात कहना अपने लिए ही अच्छा नहीं लगता, हमारे देश की बहुत बड़ी औकात है और ये इस देश को चलाने वाली सरकार है। भले ही ये देश नहीं है लेकिन इसको चलाने वाली सरकार है। तो आप सोचिए कि जब आपने इतना कर्ज, हर डिपार्टमेंट बस कर दो, करते जाओ, अरे कर्जा लो करो, कर्जा लो करो, और इतना जो कर्जा ना दे ज़्यादा RBI चैचू चपड़ करे, गवर्नर को बदल दो, बदल क्या दो, अपने आप में हिस्ट्री वाला बिठा दो उसको, वो तो ज़्यादा करेगा नहीं, चलो भाई मेरे को बना दिया गवर्नर, इतना ही काफ़ी है। इकोनॉमिस्ट भाग गए, खुद के लाए हुए इकोनॉमिस्ट भाग गए, क्योंकि सरकार, और एक बार बताऊं मैं आपको, सरकार क्या कर रही है कि आपके जो विदेशी कर्जा है वो कर्जा है ही, आपके पैसे को बैंकों से ले रही है, उसको कर्जे को आप ये मत मान के चलिए। और जिस दिन सरकार से ये कर्जा नहीं मिलेगा, मान लीजिए 2023-24 में सरकार टैक्स बढ़ा के भी वसूली नहीं कर पाती है, तो विदेशी कर्जा होता तो एक लॉन्ग टर्म कर्जा और लेके, कर्जा चुकाने के लिए कर्ज लेके, जैसा कि ये करती आ रही है, मामले को टाल देती है। लेकिन अब स्थिति जो होने वाली है वो ये होने वाली है कि वो जब हमारे बैंक, देश के बैंकों का कर्जा चुकाने में ना नुकुर करेगी तो बैंक क्या करेंगे, बैंक कुछ नहीं कर सकते, और इसीलिए बहुत सारे बैंकों को बेचा जा रहा है, इनको बेचो ताकि कुछ पैसा आए, बैंकों के पास कुछ पैसे आ जाए तो छटपटाए नहीं, कम से कम डूबे नहीं, बचे रहें। 2021-22 की जो आर्थिक समीक्षा आती है सरकार की, उसमें बताया गया है कि 2016 के बाद से GDP और कर्ज का अनुपात बिगड़ना शुरू हो गया था। 2016 में ये सिर्फ 45% था GDP का, सरकार का कर्ज, और वो धीरे धीरे करके बढ़ता चला गया और अब वो 90% के ऊपर निकल गया है। 2021 में वो 60% हो गया था। सोचिए कितनी तेजी से कर्जा ले रहे हैं, जैसे कि अपना देश है ही नहीं। ये घर थोड़ी मोट वाला है आपका कि EMI का घर छोड़ के भाग जाएंगे, जब्त कर लो, ये EMI के कारण उठा के ले जाओ, नहीं चुका पाएंगे तो, ये देश है भैया, सरकार है। और इस तरह से लगातार ये कर्जा जो है वो बढ़ता जा रहा है। और इसमें भी एक और कैच है जो राज्य सरकारों के कारण है, वो है ऑफ बजट बोरिंग का खर्चा। ऑफ बजट बोरिंग क्या होती है कि आपने अपने बजट में जो प्रावधान किए थे उसके हिसाब से जितना खर्चा आपने लोगों से लिया, जितना कर्जा आपने लोगों से लिया और लोगों, जनता को दिखाया, जिसको संसद से पास कराया, जो कानूनी तरीका है, उसके अलावा आपने बजट के बाहर कुछ लोन ले लिए सरकारों ने खर्चा चलाने के लिए। गुजरात में भी ऐसे ही बहुत सारे लोन लिए थे सरकार ने, और वो लोन भी पूरे देश के लोन में शामिल हैं, ले लेके और ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, हाईवे एक्सप्रेस वे बनाते रहो। अब हालत ये है कि जो जितना टोल का टोटल कलेक्शन होता है, उतना कलेक्शन जितना कर्ज सिर पे आ गया, सरकार को रोकना पड़ गया, बस कर पगले मरवाएगा क्या, तब जाके NHAI रुका है। और ये पूरी रणम कृतवा खत्म पिबेत वाली व्यवस्था जो है वो ये है कि ऐश करो, लोन लो, सेंट्रल विस्टा बना दो, जो बनाया ना बना दो, पैसा झोंको, टैक्स आ रहा कोई बात नहीं, कोरोना के कारण बाजार बंद हो गया कोई बात नहीं, और उस पूरे को पैसे को लेकर पहले ऐश कर लो, चुकाने की जब आएगी तो देखा जाएगा। और चुकाना किसका है, घर के ही लोगों का कर्जा है, रोएंगे बाद में, किसका डूबेगा, SBI का डूबेगा, तो आप SBI का, आपका खाता है, आपका पैसा फंसेगा। फिर हम लोग चीन का उदाहरण लेते हैं कि चीन में क्या हो गया, चीन में बैंक पैसे नहीं दे रहे हैं, चीन का पैसा बिल्डर ने लिया था बैंकों का, वो नहीं चुका पाया, यहाँ सरकार ने ले लिया, सरकार नहीं चुका पाएगी, स्थितियाँ तो वही रहने वाली हैं। ये एनालिसिस है, ये परिस्थिति जन्य अनुमान है, इसका मतलब ये नहीं कि कल परसों से बैंकों में ऐसा होने वाला है। बहुत सारे तरीके होते हैं सरकार, आप मान लीजिए कल के दिन कोई बाहर की सरकार आए और उसको लगे कि हमारे घरेलू कर्जे बहुत बढ़ गए हैं, तो हो सकता है कि वो किसी वर्ल्ड बैंक IMF से थोड़ा और कर्ज ले ले, लॉन्ग टर्म कर्ज ले ले, ताकि इन कर्जों को थोड़ा हल्का किया जा सके। दोनों ही स्थिति में एक बात मान के चलिए, कर्ज जो होता है ना वो कभी नष्ट नहीं होता, उसका ठिकाना बदलता रहता है। यहां आप कर्ज को खत्म करोगे तो कहीं और से कर्ज लोगे, वहां चला जाएगा, वहां खत्म करोगे तो कहीं और से कर्ज लोगे, वहां चला जाएगा। कमाई तो बढ़ाई नहीं आपने, जो भी है मेरे सर पे, आपके सर पे, सबके सर पे कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। और विदेशी कर्ज ही कर्ज नहीं है, जो ओवरऑल कर्ज है, घरेलू कर्ज भी ज्यादा खतरनाक और बड़ा कर्ज है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा।